नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार रेल न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। नया वीडियो नहीं, नया सेगमेंट ही है, जिसमें हम भारतीय रेलवे की जितनी भी सेवाएं हैं, सारी सर्विसों के ऊपर, सारे पदों के ऊपर एक एक वीडियो बनाने वाले हैं। किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनका वेतन रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी प्रक्रियाओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हमने पहला वीडियो लिया है दोस्तों, स्टेशन मास्टर के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर के सिलेक्शन की, उसके वेतन की और उसके प्रमोशन के चांसेस की, आगे उसके क्या क्या प्रमोशंस हो सकते हैं। इन बिंदुओं पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। और दोस्तों, आपसे बोलने के बाद भी नहीं हो रहा है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना यार। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेशन मास्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो पहली योग्यता दोस्तों, सिटीजनशिप के बारे में, यानी नागरिकता। तो दोस्तों, कोई भी आदमी जो भारत, नेपाल या भूटान या नियम के अनुसार भारत का नागरिक हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी स्नातक की होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी हो, बीटेक, कुछ भी हो, स्नातक उसका होना चाहिए। कम से कम ये क्वालिफिकेशन इसके लिए आवश्यक है। और साथ में एक अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन हो तो अच्छा है, वो ऐच्छिक है, आवश्यक नहीं है। डिप्लोमा इन रेल ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट, ये रेलवे का एक इंस्टीट्यूट है जो ये एग्ज़ाम करवाता है और ये डिप्लोमा करवाता है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों आयु की, तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए, आरक्षित कैटेगरी के लिए नियम अनुसार, जो भारत सरकार के नियम हैं उनके अनुसार छूट दी जाती है। नीचे आप देख रहे हैं कि स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया है, यहाँ पर एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं। ये पिक्चर IREM, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल Volume 1 के Chapter 1 से लिया गया है, जहाँ पर ये क्वालिफिकेशन, यानी मैनुअल में ये क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में आती है बात इसके सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों दो तरीके से स्टेशन मास्टर का सिलेक्शन होता है, जिसमें 60% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, इसके अंतर्गत 60% आता है, और 40% में प्रमोशनल कोटा होता है, जिसमें 15 और 25% दो तरीके का कोटा होता है LDC के अंतर्गत। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं सीधी भर्ती की। तो सीधी भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB के द्वारा आयोजित की जाती है, NTPC की परीक्षा, जिसके अंतर्गत रेलवे के स्टेशन मास्टर का सिलेक्शन होता है। प्रमोशनल भर्ती की बात करें तो दो है, LDC में भी दो कैटेगरी है, एक 15%, एक 25%। और जो GDCE है दोस्तों, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सेम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के इक्वल होती है, जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। बस एक अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको दो स्टेज एग्ज़ाम देनी है, यहाँ पर आपको एक स्टेज एग्ज़ाम देनी होती है, ये एग्ज़ाम RRC कराती है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम RRB कराता है। एक तो ये इसमें बड़ा अंतर है, और दूसरा यह है कि एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में जो साइको का एग्ज़ाम है वो दोनों में सेम है। LDC की बात करते हैं दोस्तों, तो LDC में जो आयु है वो 15-45 ईयर्स अधिकतम हो सकती है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट, यानी वो 50 वर्ष के आयु तक LDC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये बात हो गई इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में। आगे हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर के वेतन के बारे में। दोस्तों, स्टेशन मास्टर Level 6 के अंतर्गत आता है, अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से 35,400 से 1,12,400 के स्लैब में वो आएगा, और उस पर अदर एप्लीकेबल अलाउंसेस भी साथ में मिलेंगे। जैसा कि आप एक पे स्लिप देख रहे हैं, ड्राफ्ट पे स्लिप है, इसमें किसी का नाम नहीं है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर उसका डिजिग्नेशन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और Level 6 में है, पे बॉन्ड 6 के अंतर्गत। और इसका जैसे बेसिक है या 36,500 दिया है, बट
इनिशियल बेसिक 35,400 होता है, उसके बाद में जो डीए का रेट है वो मिलेगा, और तीसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा जो डीए और बेसिक पर डिपेंड करता है, तीसरा एनडीए होता है नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो ड्यूटी नाइट में करता परफॉर्म करता है उसके लिए अलग से अलाउंस मिलता है। एनएचए जो है, जो नेशनल हॉलीडे है, अगर कोई स्टेशन मास्टर नेशनल हॉलीडे के दिन भी ड्यूटी करता है तो उस दिन उसको एनएचए दिया जाता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो इसका अमाउंट इतना आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों कुछ रिकवरीज होती है जो कंपलसरी है, एक तो ग्रुप सी जो इंश्योरेंस स्कीम है 30 रुपये इसमें कटेंगे, और क्वार्टर का जो चार्ज है, अगर आपने क्वार्टर्स अवेल किया है तो या आपको एचआरए नहीं मिलेगा, और अगर क्वार्टर्स नहीं ले रखा है उस केस में आपको एचआरए दिया जाएगा जो भी आपकी सिटी की रेट है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन से सिटी में कितना अमाउंट कैसे कैसे मिलता है, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला, इसके जो प्रोफाइल की जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को जो बाहर से तैयारी कर रहे हैं अभी उनको ठीक से पता नहीं है स्टेशन मास्टर क्या करता है। तो बेसिकली दोस्तों आप जैसा ये देख पा रहे हैं, ये स्टेशन मास्टर का मेन ड्यूटी होता है, यानी ट्रेनों का संचालन करना, जो कि एक बोल सकते हैं काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदारी भरा कार्य होता है। ये कार्य जितना दिख रहा आसान दिख रहा है उतना एक्चुअली आसान है नहीं, बाकी तो काम करने के बाद में आपको रियल एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। तो ट्रेनों का संचालन पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, स्टेशन मास्टर बहुत सारे डिपार्टमेंटों के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी कार्य करता है, जैसे एसएनटी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सभी डिपार्टमेंटों वाले जो लोग हैं वो स्टेशन मास्टर को ही अप्रोच करते हैं स्टेशन लेवल पर। तो एक कोऑर्डिनेटर का कार्य हो गया, दूसरा ट्रेनों का संचालन का, तो ये इसके मेन कार्य हैं। इसके बारे में भी मैं आपको, आप जैसा साइड में एक वीडियो चल रहा होगा इसमें आप देख पा रहे हैं क्या क्या कार्य है, कैसे कार्य होता है, एक डेमो है। आगे हम बात करते हैं प्रमोशन के अवसर की, कि स्टेशन मास्टर तो बन गए साहब, अब इसके बाद में क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों स्टेशन मास्टर बनने के बाद में पहला एक ये जो प्रमोशन है एसएस का, स्टेशन सुपरिटेंडेंट का होता है, जो लेवल 7 में आता है, जिसका 44,900 से 142,400 के स्लैब में ही आएगा। और नियमानुसार जो एलडीसी का एग्ज़ाम भी इसके बाद में ग्रुप सी से ग्रुप बी, यहाँ तक ग्रुप सी है, इस लेवल तक ग्रुप सी होगा, इसके बाद में ये जो सेवा है ग्रुप बी की है। तो ग्रुप बी के लिए एओएम का जो पोस्ट होता है उसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया पार करके, अगर आप कहेंगे तो डिटेल से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, एक वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर करता, तो इस वजह मैंने मेन चीज़ कवर की है। कीवर्ड अगर आप इसके ऊपर कहेंगे कि स्टेशन मास्टर के बाद में एलडीसी का एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो सारी डिटेल्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये 4600 ग्रेड पे का होता है, जैसा आप ये आईआरईएम का स्क्रीनशॉट भी नीचे मैंने अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों लेवल 7 की जो एसएस की जो वैकेंसी है वो 100%, यानी स्टेशन मास्टर का 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में था, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत नहीं है। और दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर के ट्रेनिंग का पीरियड की, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें दिया गया 75 डेज ट्रेनिंग, लेकिन दूसरा एक आरपीई नंबर, एक रेलवे बोर्ड का लेटर बता रहा हूँ मैं, RBE 08/2017 आप डाल करके गूगल करेंगे तो आपको पूरा इसका डिटेल डाउनलोड हो जाएगा, क्या स्टाइफंड मिलेगा, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग का मॉड्यूल दिया गया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। अगर आप कहेंगे तो डिटेल ट्रेनिंग कितना पार्ट का, कितने दिन का, बेसिकली 75 डेज का स्कूल ट्रेनिंग होता है और इसका ये डिटेल्स दिया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमको काफ़ी मोटिवेट करता है। और दोस्तों साथ में एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका हम जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करने का कोशिश कर
करते हैं कोशिश, नहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।